कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को टाल दिया है। बारामूला में दो आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कुलगाम में एक आतंकी को मार गिराया गया है। कुछ इस तरह बारामूला जिले के सोपोर में संदिग्ध आईईडी को सेना ने डिफ्यूज कर दिया। आतंकियों की ये साजिश कामयाब होती तो जाने कितनी जाने जाती। दरअसल आतंकियों ने इस विस्फोटक को पुतखा इलाके में बारामूला श्रीनगर हाईवे के किनारे एक बक्से में छिपाया था, लेकिन जांच पार्टी ने इसका पता लगाकर इसे निष्क्रिय कर दिया। इतना ही नहीं, बारामूला से लश्कर ए तैयबा में शामिल दो नए आतंकियों को बारामूला से गिरफ्तार किया गया है। इरशाद मीर और जाहिद बशीर को अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के खिलाफ हमले का आदेश मिला था। आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए। हमको दो पिस्टल्स, 18 लाइव राउंड्स और 3 मैगजीन पिस्टल्स के साथ जो है वो बरामद हुए हैं और इनको अरेस्ट कर लिया गया। और हमने जो है यहाँ पे जो अटैक हो सकते थे, यहाँ पे जो जैसे कि पहले भी सरपंचों पे और बाकी जगहों पे अटैक्स हुए हैं वो हो सकते थे, उनको हमने रोक लिया है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि पकड़े गए आतंकियों से मिली सूचना के आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कुलगाम के खांदीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। पिछले दिनों आतंकी अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार निशाना बना रहे हैं, जिसके लिए वो नई भर्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के बाद सुरक्षा बलों ने अब आतंक के नेटवर्क के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। ABP News, आपको रखे आगे।